हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हो आप लोग? होप करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। बढ़िया बिल्कुल आपका भाई बोल रहा है, बढ़िया है। सो गाइस, आज खड़ी है हमारे सामने रॉयल इनफील्ड की गोरिल्ला 450। जिस प्राइस पॉइंट में ये बाइक आती है, क्या उस हिसाब से ये सच में वर्थेड है, जानेंगे आज इसी बाइक के बारे में। और कंपनी ने क्या क्या चीजें इसमें नई ऐड की हैं, वो सारी चीजें भी आपको बताने वाला हूं। अगर आप सभी भी ये बाइक परचेज करने की सोच रहे हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करते हैं। क्या मस्कुलर बाइक लग रही है यार, देखो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा प्यारा निकाला इस बार रॉयल इनफील्ड ने। इसके वैसे तीन कलर आते हैं, बट अभी फिलहाल यहाँ पर सिंगल ये वाला कलर अवेलेबल है शोरूम में, ब्लैक एंड येलो कलर की कॉम्बिनेशन में। बाकी ये कलर भी काफी ज्यादा प्यारा है। सो अभी आपने ओवरऑल पूरा लुक तो देख लिया बाइक का, अब स्टार्ट करते हैं बाइक के मीटर से। तो ये दिखा दो भाई, ये है अपना गोरिल्ला 450 का कुछ मीटर, और भाई फुली डिजिटल मीटर है। ये देखो कितना ही प्यारा एंड क्लासी सा फुली डिजिटल मीटर दिया आपको इसके अंदर। बाकी अब हैंडल बार की मैं बात करता हूँ एक बार। ये कुछ इसका हैंडल बार है, आप व्यू देख सकते हो हैंडल बार का। और लेफ्ट हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे स्विचेस की जो क्वालिटी है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा प्यारी दी गई है। ये देखो, ये ऐसा लगता है यार रबर टाइप में है जैसे। बाकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी दी है इस बार रॉयल इनफील्ड ने स्विचेस की, और ये सारे स्विचेस इसमें अवेलेबल हैं। दोनों साइड के स्विचेस ऐसे ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। बाकी अब इसको एक बार स्टार्ट करते हैं और इसका मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। यह है गाइस अपनी गोरिल्ला 450 का साउंड, और मुझे इसका साउंड बेसी भी लग रहा है और बाकी थोड़ा थोड़ा स्मूथ भी लग रहा है। देखो करना भाई रैप करना, एक बार और करो, बस बंद कर दो भाई। काफ़ी ज़्यादा इसमें बेसी एंड स्मूथ साउंड निकल के आ रहा है। तो एग्जॉस्ट नोट देख लो कुछ इस टाइप का है, और काफ़ी बढ़िया लगा मुझे साउंड के मामले में भी। तो ये मैंने मीटर भी बता दिया, आपको हैंडल बार भी बता दिया, बाकी अपना एग्जॉस्ट नोट भी बता दिया। अब करते हैं भाई इसकी सबसे मेन हाईलाइट फीचर के बारे में, जो मुझे खासियत इसमें लगी वो है इसके टायर साइज। अब फ्रंट टायर देख लो एंड रियर टायर अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और बाकी ये जो टायर है ना, ये ऑफ रोड टायर दिए हैं कंपनी ने इसके अंदर। फ्रंट टायर का साइज आपको 120 सेक्शन का देखने के लिए मिलता है, और रियर टायर की बात करूं तो रियर टायर भाई 160 सेक्शन का देखने के लिए मिलता है। और टायर इतना ब्रॉड है ना भाई, कसम से मैं तो दीवाना हो गया भाई इस वाले टायर का। इस प्राइस पॉइंट में अभी तक किसी बाइक में 160 एंड 120 टायर नहीं आते हैं। रॉयल इनफील्ड ने जो सबसे बड़ा चेंजेस किया ना इस बाइक में, वो है भाई इसकी लाइटिंग। इस बाइक में आपको कहीं पे भी हेलोजन बल्ब का यूज नहीं मिलेगा, इस बाइक में आपको ओनली ऑन LED का यूज मिलेगा। चाहे आप इंडिकेटर देखो या फिर आगे की फ्रंट लाइट देखो, ओवरऑल जितनी भी लाइटिंग है इसमें आपको LED ही मिलने वाली है। इंडिकेटर देखो कितने क्लासी से लग रहे हैं, और ये है फ्रंट इंडिकेटर। आपको दिखाता हूँ रियर इंडिकेटर। रियर इंडिकेटर का तो मैं दीवाना ही हो चुका हूँ। ये देखो भाई, यह है न्यू स्टाइल के इंडिकेटर, और यहाँ पे देख सकते हो ये टेल का काम कर रहे हैं। इस बाइक में भाई टेल लाइट मिसिंग है, बट टेल लाइट इंडिकेटर में यूज़ कर रखी है रॉयल इनफील्ड ने इस बार, तो कुछ यूनिक पैटर्न दिया है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, वो क्या है, अगर आपकी गाड़ी का क्रैश वगैरह होता है या टूटती है तो ये पार्ट पूरा ही जाएगा, और ये पार्ट 10-12 हज़ार रुपये से कम तो आने वाला नहीं है। आपकी हाइट भी अगर 5'7" या 6' तक की होगी ना, तो आप इसको ईजिली बाइक चला सकते हो भाई। राइडर के साथ साथ पिलियन के लिए भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि पिलियन के लिए भाई यहाँ पे होल्ड करने के लिए यहाँ पे ग्रैब व्हील देखो भाई, अलग ही डिज़ाइन के दिए हैं। और मतलब ये लुक को ना मतलब इन्हेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि मतलब इससे लुक खराब हो रहा है, इन्हेंस हो रहा है इससे लुक, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है भाई ग्रैब व्हील देखने में। इस बाइक की टैंक की बात करूं तो मैं आपको, इस बाइक में आपको 11 लीटर का टैंक मिल जाता है, तो 11 लीटर कैपेसिटी है फ्यूल की। तो बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी, आजकल जो बाइक आ रही है उनमें 14 लीटर 13 लीटर तक की तो होती है, बट कोई नहीं, बाइक के हिसाब से ठीक है 11 लीटर आप इसमें फ्यूल फिल कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं इस बाइक की डिस्क साइज़ के बारे में। तो वैसे तो डिस्क आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगने वाली है देखने में, मैं आपको साइज़ भी इसका एक बार बता देता हूँ। फ्रंट में आपको 310mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, रियर में आपको मिलेगी 270mm की डिस्क ब्रेक साइज़। बाकी आपको गाड़ी में डुअल चैनल ABS मिलने वाला है, बट एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है TCS। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इस बाइक में नहीं मिलता है, और क्विक शिफ्टर भी नहीं मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें मिसिंग है। बात करते हैं गाइस इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस बाइक में आपको भाई 450cc का एक इंजन मिलता है, जो कि लिक्विड कूल इंजन है। ये बाइक प्रोड्यूस करती है 39.5 BHP की एक पावर और 40 Nm का टॉर्क। साथ ही इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छी चीज है, 5 गियरबॉक्स नहीं मिला इसमें। इस बाइक के सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में आपको भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। मेरे हिसाब से भाई इस प्राइस पॉइंट में इनको USD फोक्स देने चाहिए थे, अदर सभी बाइकों में USD फोक्स मिलते हैं इस प्राइस पॉइंट में, बट रॉयल एनफील्ड ने पता नहीं ऐसा क्यों किया जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि एडजस्टेबल है, आप उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। बस ये था कुछ बाइक का रिव्यू। बाकी इस बाइक में आपको 3 कलर अवेलेबल मिल जाएंगे, पहला कलर तो आपके सामने खड़ा है, और 2 कलर मैं वीडियो में और ऐड कर दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। और आप सभी कमेंट करके बताना आपको इस बाइक का कौन सा कलर पसंद आया। गाइज इस बाइक का शोरूम प्राइस जो है 2,39,000 है। तो बाकी कुछ ये था ओवरऑल रिव्यू बाइक का, तो आप सभी को बाइक कैसी लगी कमेंट में मुझे जल्दी जल्दी बता देना।
और इस प्राइस पॉइंट में अदर मार्केट में कौन सी बाइक है जो इससे ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रही है, उसका नेम भी मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बता देना। बाकी आपको ये बाइक पसंद आई या नहीं आई कमेंट जल्दी जल्दी कर देना। मिलते हैं फिर आपको किसी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।